जितने भी बूचड़ खाने कत्ल खाने वैध अवैध हैं, यह सब एक निश्चित समय में बाहर करे प्रशासन। वैध अवैध दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। हम वैध को कैसे मान ले, माने जीव हत्या यहाँ होती रहे और वो लाइसेंस लेते रहे और लाइसेंस लेकर के मांस बेचते रहे, ये कैसे स्वीकार हो करेगा हिंदू समाज। वो हमारे मंदिर के बगल में कहे तो खोल ले और उन्होंने कहे कि हमारे तो पास लाइसेंस है, बूचड़ खाने खोलने कहे हमारे पास तो लाइसेंस है। केवल काशी के हिंदुओं की बात नहीं है, काशी के किसी अन्य धर्म के लोगों की बात नहीं है, यहाँ समस्त विश्व से हिंदू आते हैं, हिंदू धर्मानुयायी आते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी आते हैं। और जब वो सनातन धर्म के अनुयायी आते हैं और जब दशाश्वमेध पर वो स्नान करते हैं और स्नान करके जब घाट की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सामने जब अंडे की दुकान दिखती है या मछली का लीदा और पचौनी उनके पैरों के नीचे पड़ता है, तो उनकी पूरी आस्था एक बार चित्कार करने लगती है, वो आर्तनाद करने लगती है। और ये स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है, इस स्थिति से हमको लड़ना ही है चाहे जो स्थिति बने। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो न्यायालय का विकल्प हमारे लिए खुला हुआ है, हम न्यायालय भी जा सकते हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई विधर्मी कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ये कहता है कि हमारा ये भोज्य पदार्थ है, तो आप काशी के बाहर जाके भोज्य पदार्थ खाइए, हम आपको मना नहीं करते हैं, आप अपने अधिकार के साथ आप सुरक्षित रहिए, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। राजस्थान में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से अवैध बूचड़ खानों को मांस मछली की दुकानों को बंद किया जा रहा है, ऐसा ही प्रयास अब बनारस में करने का प्रयास है, क्योंकि बनारस जो है धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। ये प्रयास कर रहे हैं श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के जो सदस्य हैं, उन्होंने आज हवन किया है और उनका प्रयास है कि बनारस में भी जितने अवैध बूचड़ खाने हैं, मांस मछली की दुकानें हैं, उनको बंद करने का जो है अब जन जागरण होगा, बनारस भी जो है शुद्ध होगा। तो उन्हीं से हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ जो हैं RP सिंह जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है, क्या ये पूरा मामला है, क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये काशी जो है दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और सांस्कृतिक नगरी के रूप में इसकी पहचान है, और सांस्कृतिक नगरी जो हमारी सनातन सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें सबसे पवित्र नगरी मानी गई है जी। और यह नगरी जो है आज बूचड़ खानों में तब्दील हो गई है, कत्ल खानों में तब्दील हो गई है, गली गली चौराहे चौराहे और हर सड़क पर जहाँ गुजरिए, मंदिरों के बगल में, कार्यालयों के बगल में मांस और मछली की दुकानें जो है इसे खुले में बेची जा रही है, या भी पूरी तरह से इसकी पवित्रता नष्ट की जा रही है। विगत 20 सालों में पूरी तरह से यह इसकी गिरफ्त में आ गई है, ये पूरी काशी की सांस्कृतिक नगरी। और ये देव के देव महादेव आदि विशेश्वर के जो अवमुक्त क्षेत्र है पंचकोसी सीमा के अंदर, पंचकोसी सीमा लगभग 62 किलोमीटर का एरिया, 62 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, इसके अंदर संपूर्ण क्षेत्र में जगह जगह जो मांस मछली की दुकानें दिखाई दे रही हैं, हम लोगों का अब ये जनजागरण अभियान इसलिए चलाया जा रहा है, आज संकल्प यज्ञ किया गया है, जनजागरण की शुरुआत की गई है, आज से हम लोग इस पूरे परिक्षेत्र को मांस मछली मदिरा और जितने भी बूचड़ खाने कत्ल खाने वैध अवैध हैं, यह सब एक निश्चित समय में बाहर करे प्रशासन। वैध अवैध दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। हम वैध को कैसे मान ले, माने जीव हत्या यहाँ होती रहे और वो लाइसेंस लेते रहे और लाइसेंस लेकर के मांस बेचते रहे, ये कैसे स्वीकार हो करेगा हिंदू समाज। वो हमारे मंदिर के बगल में कहे तो खोल ले और उन्होंने कहे कि हमारे तो पास लाइसेंस है, बूचड़ खाने खोलने कहे हमारे पास तो लाइसेंस है। तो ये लाइसेंस के आड़ में इस भूमि को अपवित्र नहीं होने देने का संकल्प आज लिया गया है, इसकी पवित्रता जो है हम लोग बनाए रखने का 100% प्रयास करेंगे। ये जो अभिमुक्त क्षेत्र है इसमें कितना क्षेत्र आता है, जैसे ये चितईपुर का या सुंदरपुर का जो क्षेत्र है वो आता है कि नहीं आता है? भोलेनाथ का जो पंचकोसी सीमा है, पंचकोसी परिक्रमा करते हैं लोग, सब जानते हैं कि पंचकोसी सीमा क्या है। आदि विशेश्वर महादेव से संकल्प लेकर के मणिकर्णिका में स्नान करना, मंदिर में ज्ञानवापी में संकल्प लेना, अब वर्तमान में ज्ञानवापी में संकल्प लेना बंद हो चुका है क्योंकि वो विधर्मियों के गिरफ्त में है जी। उसके बाद जो है हम गंगा के नदी तट किनारे पहुंचेंगे 80 घाट पर, 80 घाट से भी आगे, बीच में इधर करीब 50 सालों में कुछ रूट परिवर्तित हुए हैं पंचकोसी सीमा के, फिर उधर कंदवा कर्दमेश्वर महादेव, फिर भीमचंडी राजा तालाब,
एक निर्धारित रूट है इसका। अच्छा। फिर वहाँ से रामेश्वरम, फिर पांच पंडवा, फिर कपिलधारा, ऐसा करके होते हुए पांच पड़ाव हमारे मुख्य हैं पंचकोसी रूट के। इस पड़ाव को पार करते हुए पूरी तीर्थ यात्रा करके वापस में संकल्प वहीं छोड़ते हैं जहाँ से उन्होंने शिव भक्तों ने प्रारंभ किया था। मतलब इस एरिया के बीच हम लोग अब चाहते हैं कि आप अपनी दुकान समेट लो, बहुत हो गया, बूचड़ खाने समेट लो, कत्ल खानों को हटा लो, मांस मछली की दुकानों को हटा लो यहाँ से, क्योंकि अब शिव भक्तों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर गली चौराहे पर जहाँ जाइए, और नित नई योजनाएं इनकी लागू हो रही हैं, कहीं बड़े बड़े कंडाल में भर करके बेच रहे हैं, कहीं किसी तरह से वो कर रहे हैं, कहीं कोई प्रायोजित कर रहा है, कहीं किसी रूप में, अनेकों प्रकार से यह इस पवित्र भूमि को अपवित्र करने की योजना बना रहे हैं। आप लोग क्या करने वाले हैं इसके लिए, मतलब कैसे रुकेंगे? देखिए, हम लोगों का पहला चरण है, हमारा पूरा आंदोलन संवैधानिक तरीके से होगा, हिंसात्मक बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग प्रथम चरण में जन जागरण का अभियान करेंगे, जिसमें अनेक प्रकार से प्रचार का कार्य करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे। अभी तो लोग जानते नहीं, इस दिशा में किसी का ध्यान नहीं है हिंदू समाज का। उनको बताएंगे कि देखिए, ये हमारी जो पंचकोसी परिक्रमा है, ये सीमा है, ये कैसे पवित्र की जा रही है, योजना वो अपवित्र की जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, इसे हमें मुक्त कराना होगा। तो हम लोग प्रचार में पत्रक छपवाएंगे, पंपलेट छपवाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, और जगह जगह हम लोग जो है सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, प्रिंट मीडिया का सहारा लेंगे, न्यूज़ चैनल का सहारा लेंगे, यूट्यूबर का सहारा लेंगे, और हम जगह जगह गोष्ठी करेंगे, आयोजन करेंगे, छोटे बड़े कार्यक्रम करेंगे। इस माध्यम से हम लोग जन जागरण करेंगे। शासन प्रशासन को हम ज्ञापन देंगे दूसरे चरण में, दूसरे चरण में ज्ञापन देंगे, एक निश्चित समय देंगे कि 2 महीने 3 महीने में आप अपने सारी चीज़ें अपने प्रयास से ख़त्म कराएंगे। अगर शासन प्रशासन एक निर्धारित समय में ये सब चीज़ें नहीं ठीक कराता, तब हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, मौन प्रदर्शन करेंगे, पार्कों पर करेंगे, घाटों पर करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम बड़े बड़े चौराहों पर जा करके 2000 लोग बैठ जाएंगे। अब ले चलो, कितना भरोगे जेल, ये काम हम लोग करेंगे। रोजगार की भी बात उठेगी, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनका रोजगार छिन जाएगा, ऐसी बातें उठेंगी। पूरा परिवार अगर शराबी होता है, शराब पीने लगता है, हाँ। या शराब बेचने लगता है, तो उनके सामने भी यही समस्या होती है। जब शराब का काम बंद कराते हैं तो कहे हमारा तो रोजगार है, समझ रहे ना। चोरी करने वाला भी अगर वो 20 साल लगातार चोरी करता रह जाए तो वो भी यही कहेगा, भैया मेरा तो रोजगार यही है, हम क्या करेंगे, चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो ये तर्क नहीं होता, आप गलत काम करते रहो, हमारे साथ अन्याय करते रहो, और बाद में जब बात हो तो आप कह दो कि नहीं हमारा तो रोजगार है। अरे रोजगार है तो लेके जाओ ना, जहाँ तुम्हारा रोजगार चलता हो, हम इस ज़मीन पर नहीं करने देंगे। ये महादेव की भूमि है पंचकोसी परिक्रमा। मतलब कई जगह भारत में ऐसा है, जैसे कुरुक्षेत्र में देखा है कि जो शहर उसके बाहर होते हैं, तो आप भी करें कि जो अभिमुक्त क्षेत्र है उसके बाहर आप करिए, बाहर आप ले जाओ, हमारा बाहर करिए, हम देश भर का अभी ठेका नहीं लिए हैं। हाँ, हिंदू समाज चाहता है कि आप अभिमुक्त क्षेत्र को पवित्र बनाने में आप सहयोग करो, और अपनी सारी अपवित्रता की कार्यशैली बाहर ले जाओ, जो करो प्रशासन जाने, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, वैध हो अवैध हो, वैध क्या होता है, आप लाइसेंस लेकर के बकरा खड़ा करके टांग दो, कहो कि हम लाइसेंस लिए हैं, ये कैसे संभव है, क्या समस्या है सर, ये जो हो रहा है आप लोग जो। हाँ, जिस तरह से आपके हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में, ये सारे संपूर्ण धार्मिक क्षेत्र में 10 किलोमीटर के परिधि के बाहर हैं ये सब कूचल खाने वगैरह, इसी तरह से काशी में भी होना चाहिए, और वही हम लोगों के आंदोलन का प्रेरणा स्रोत है कि जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी होगा। मतलब इसी चीज का हम लोगों ने आज शौर्य दिवस के अवसर पर संकल्प लिया है, संकल्पित हम लोग होकर और इस आंदोलन में लगेंगे और इसको निर्णायक स्थिति में पहुंचाएंगे। शौर्य दिवस वो जो बाबरी गिराई गई, हाँ इसी अवसर पर हम लोगों ने शपथ का ये कार्यक्रम रखा है। इसका विरोध भी बहुत होगा क्योंकि बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, पूरे बनारस में तो हर चीज का बकरे की दुकान, कोई मतलब नहीं, तो अपना रोजगार बदलो ना, जरूरी है कि तुम हमारे परिक्षेत्र में अपना रोजगार चलाओ, कहीं जाके बेचो तुम, उससे क्या मतलब है। लेकिन इस क्षेत्र में कतई नहीं होगा, ये नहीं होने, बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? काशी हमारी धर्म नगरी और इतनी प्राचीन नगरी है, मोक्ष की नगरी है, और
इतनी पवित्र पावन नगरी को इन लोगों ने बूचड़खाने और कत्ल खाने और ये मांस मच्छी की दुकानों से इन्होंने अपवित्र कर रखा है। तो हम सब यही चाहेंगे कि इस अभियान से सब लोग जुड़ के और हम लोग हटाना चाहेंगे उनको कि हमारी काशी जैसे पवित्र थी पहले, फिर से ये पवित्र धर्म नगरी हमारी स्थापित हो जाए। जो गंदगी इन्होंने फैला रखी है इसको दूर करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं और दृढ़ संकल्प रही थे हम लोग। क्या समस्या आती है, मतलब जैसे बहुत लोग अधिकतर लोग तो खा ही रहे हैं आजकल, तो क्या समस्या आ रही है उसमें? अब ये हम सब तो नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जो गंदगी इन लोगों की वजह से फैल रहा है, यहाँ गाय और भैंस के मांस जो ये लोग इतने बूचड़ खाने और कत्ल खाने बना रखे हैं, इतनी गंदगी इन्होंने फैला रखी है बर्बरता, ये बहुत जल्दी बंद हो जानी चाहिए। हाँ बताइए सर, जैसे इसमें तो सभी लोग हैं, सनातनी भी खा रहे हैं और गैर सनातनी भी खा रहे हैं, तो क्या किसी को टारगेट नहीं करें, सबके लिए है? हमारे यहाँ जो है कहा गया है कि रक्त मज्जा वसा मांसा नेत्रित मैदान सी, तो ये जो मेद है मांस है ये इस तरह की चीज़ें हैं, इसको तमोगुणों से जोड़ा गया है और तात्विक राजस्थान त्रिस्थली है, जहाँ त्रिशूल पर टिकी हुई ये नगरी है, यह पृथ्वी नहीं है, यह पृथ्वी से ऊपर उठी हुई नगरी है। यहाँ पर जो भी कार्य होता है वो मंगल कार्य होता है। आपको याद होगा कि यहाँ पर मोदी जी ने कहा था कि मरना भी यहाँ मंगल है, तो इस मंगल भूमि को सर्वमंगल सबके लिए मंगलकारी हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। काशी को कोई पवित्र नहीं कर सकता, लेकिन जो खाने वाले पीने वाले लोग हैं वो एक सीमा के अंतर्गत आवे, सबको अपने मर्यादा में रहने के लिए कहा जा रहा है, मर्यादित हो, अपने दुकान को अपनी चीज़ों को मर्यादित ढंग से व्यवस्थित करें। काशी की जो सीमा क्षेत्र है पंचकोशी की, वो भगवान शिव की नगरी, यहाँ अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, आनंद कानन भी कहा गया इसको। तो इन पाँचों चीज, शरीर की कम से कम मुक्ति, इस शरीर पर मरने के बाद लोग जो है मुक्ति प्राप्त करें, पंचकोश में जाएं, उनको वहाँ रहने की सुविधा प्राप्त हो, वहाँ पर जो कमी है, जो स्थिति है, वह स्थिति और सुधरे, हम यही कामना कर करके आज संकल्प को महासंकल्प के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे महादेव की नगरी है तो महादेव के भक्त में अघोरी लोग भी आते हैं, वो तमस की तरफ ही उनका रुझान होता है। अघोरा अघोरा अघोरे घोरे भ्य घोर घोर तरेभ्य, एक घोर होता है एक अघोर होता है, तो शिव घोर है, उसके ऊपर अघोरी कोई काम नहीं कर पाएगा, उसको भी अपनी सीमा में रहना है। वो रात्रि में 4 बजे तक जागता है, उसकी देवी है निशी, निशी देवी है, रात्रि में जो निशा काल होता है उसकी देवी है निशी, तो उनकी मर्यादा रात्रि में शुरू होती है। अब वो अश्वसाधन सौ साधन ये सब साधन द्वारा अपने को मुक्त करना चाहते हैं, प्राप्त कराना चाहते हैं शिव को, ये बात है अघोरों की। तो आप लोग जन जागरण करेंगे इसको लेके पहले चरण में? जी जी, अभी जन जागरण होगा, हमारे युवाओं को, कुछ महिलाओं को, कुछ इस तरह के जो विशिष्ट जन हैं उनको जोड़ करके इस कार्य को हम लोग और आगे और बड़ी मजबूती से लेके। कितने बड़े स्तर पे करने का प्लानिंग हो रहा है? इसका तो अभी सीमा क्षेत्र आप इसकी भी मत समझिए कि उसकी बल की सीमा, ज्वाला अब हवन करने के लिए एक छोटी सी माचिस लगाया इतना बड़ा ज्वाला हो गया, तो ये माचिस हम लोग लगा रहे हैं, अब ये ज्वाला का कहाँ तक रूप होगा उसकी व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये है कि पूरी तरीके से मतलब प्रयास है कि काशी में जो भी लोग आए वो साफ सफाई शुद्धता रहे, पवित्र रहे। इति पवित्र पावनी गंगा के पास जाते जाते जानते हैं, स्नान करने के बाद जब लोग जाते हैं मजारों पर खड़ा होकर के गुलप्पा खाते हैं, हमने देखा है, उसी मजार के ऊपर वो गुलप्पा रख दिया है, उसी पर पानी रख दिया है, विश्वनाथ जी का लोग दर्शन करके आते हैं उसको खाते हैं, कहाँ तक सनातन बचेगा? अपवित्र करने की साजिश करते रहते हैं, कैसे इनको खंडित किया जाए? यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चा जन्म लेता है मुसलमान रहती है, वो अपना स्तन पल पिला देती है, कुछ ऐसी नर्सें भी हैं, हम कहना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गुप्त तौर पे भी नष्ट किया जा रहा है, अंदर से नष्ट किया जा रहा है। आज जो सनातन धर्म की अपवित्रता जो हो गई है उसी को कीटनाशक से हम लोग साफ करेंगे, जो जहाँ जो करना होगा, लड़ना होगा लड़ेंगे, कहना होगा कहेंगे, धरना देना होगा धरना देंगे, जिस भी भांति वो समझे उस चीज़ को हम लोग तय करके और काम करते रहेंगे। एजेंडा में तो ये भी था कि अवैध मजारे जो हैं वो भी टारगेट पे थी, तो क्या वो हट अभी नहीं है? अभी ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है आप देख रहे हो, उसमें जो मजारे हैं तो मजारे नहीं, वहाँ कई ऐसे स्थान हैं जहाँ हमारे साधु संतों के समाधि स्थल रहे हैं और उसको बाद में वो लोग मजार कर दिए,
हाजी मियाँ का मजार, वहाँ हमारे साधु संतों का। अब लाट भैरव में आप जाइए, लाट भैरव मंदिर है ना, उसके अगल बगल ही कहाँ से आ गए वो सब हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके समाधि स्थल हैं और उन्हीं को मुक्त कराना है। अच्छा, तो ये कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? आज शुरू हो गया ये? जी आज मंगल हो गया और काफ़ी समय से इस पर योजना चल रही थी, आज हम लोगों ने संकल्प लिया। तो आज ही से शुरू करेंगे, मतलब ग्राउंड पे जाना है कि बाद से? इसका एक सर्वे होगा, वो आगे के लोग बताएंगे कैसे क्या। जी आज ये महायज्ञ करके और उसका पुनर्जागरण करके आह्वान कर दिया गया है इस लड़ाई का, और हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं इसके लिए, और ये कार्य होके रहेगा, होना सुनिश्चित है। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जो आदि महादेव काशी मुक्ति न्यास के जो लोग थे उनका कहना है कि काशी जो है धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, और यहाँ पे जो अशुद्ध किया जा रहा है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं तो वो अब नहीं चलने दिया जाएगा। यहाँ पर जो वैध अवैध बूचड़ खाने हैं, मांस वगैरह की दुकानें हैं, उनको बंद कराने का जो काम जो है, उनको बंद कराने का काम जन जागरण किया जाएगा। एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन लेंगे, ये मदिरा की दुकानें भी हैं इसमें कि केवल मांस वगैरह की हैं? जी मदिरा भी है, शराब वगैरह भी है, हमारे गुरु भी है। ये जो हो रहा है मांस वाला, तो इसमें शराब की दुकानें भी बंद करेंगे? देखिए मुख्य रूप से हमारा ये मानना है कि काशी एक धार्मिक क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, जैसे हरिद्वार धर्म क्षेत्र है, प्रयाग धर्म क्षेत्र है, तो इस धर्म क्षेत्र में मांस मदिरा बूचड़ खाने इत्यादि की ये जो चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाती हैं, जो हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाती हैं, जो हमारी आस्था को चोट पहुंचाती हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और ये जितना अभिमुक्त काशी का क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, वो जो अविमुक्त क्षेत्र है पूरा, जो पंचकोसी मार्ग से जो क्षेत्र घिरा हुआ है, जो काशी का अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र में सबसे पहले तो मांस मछली की दुकानें बंद होनी चाहिए, बूचड़ खाने जितने भी हैं वो तमाम बंद होनी चाहिए, और जो शराब की दुकानें हैं जो अधिकृत हैं अनाधिकृत हैं, जो सरकार चलवा रही है, जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, ये बार हैं जो इस तरह के जहां शराब परोसी जाती है, ये सारी चीज़ें तत्काल प्रभाव से सरकार बंद करने की घोषणा करे। ये सारा जो अनुष्ठान जो हो रहा है ये, और आज इस शौर्य दिवस पर हमने यही संकल्प लिया है कि सरकार को हम विवश करेंगे, बाध्य करेंगे। अगर इसके लिए अगर सरकार नहीं मानी, अगर न्यायालय का रास्ता अपनाना पड़ा तो हम न्यायालय के भी रास्ते को अपनाएंगे, क्योंकि अपनी आस्था का सम्मान करना और अपनी आस्था को बचाए रखना ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। राजस्थान में ही बीजेपी की सरकार आने के बाद वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई, अवैध मांस मछली की दुकानें बंद कराई गई, उसका बड़ा विरोध हो रहा है। देखिए विरोध तो यहाँ भी होगा, उस विरोध की चिंता नहीं है, लेकिन जो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है, काशी इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है, केवल काशी के हिंदुओं की बात नहीं है, काशी के किसी अन्य धर्म के लोगों की बात नहीं है, यहाँ समस्त विश्व से हिंदू आते हैं, हिंदू धर्मानुयायी आते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी आते हैं, और जब वो सनातन धर्म के अनुयायी आते हैं और जब दशाश्वमेध पर वो स्नान करते हैं और स्नान करके जब घाट की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सामने जब अंडे की दुकान दिखती है या मछली का लीदा और पचौनी उनके पैरों के नीचे पड़ता है, तो उनकी पूरी आस्था एक बार चित्कार करने लगती है, वो आर्तनाद करने लगती है, और ये स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। इस स्थिति से हमको लड़ना ही है, चाहे जो स्थिति बने। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो न्यायालय का विकल्प हमारे लिए खुला हुआ है, हम न्यायालय भी जा सकते हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई विधर्मी, कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ये कहता है कि हमारा ये भोज्य पदार्थ है, तो आप काशी के बाहर जाके भोज्य पदार्थ खाइए, हम आपको मना नहीं करते हैं, आप खाने अपने अधिकार के साथ आप सुरक्षित रहिए, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है, आप ये कदापि नहीं कर सकते। इसमें तो सनातनी भी हैं, वो भी बकरा वगैरह बेचते हैं, खाते हैं? नहीं, जो सनातनी बकरा वगैरह बेचते हैं, खाते हैं, वो बाहर जाके बेचें, लेकिन सनातन धर्म के जो मूल आस्था के बिंदु हैं आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हम पूरे भारत में बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम काशी में मांग कर रहे हैं, क्योंकि काशी जो है वह इस देश की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का मूल बिंदु है और एक तरह से ये राजधानी है, यहाँ समस्त विश्व के हिंदू आते हैं। जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उस पर हमारा विषय नहीं है, हम ये नहीं तय करने जा रहे हैं इस देश में कि कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको इससे मतलब जरूर है कि हमारे मंदिरों के सामने, हमारे मंदिरों के सीमा क्षेत्र में
मांस और मदिरा की दुकानें नहीं रहेंगी। ये हमको तय करने का अधिकार है, ये हमको मांग करने का भी अधिकार है। जो अभिमुक्त क्षेत्र है वहाँ पे शुद्धता होनी चाहिए, वहाँ शुद्धता होनी चाहिए। और ये हम कोई पहली बार मांग नहीं कर रहे हैं, पहले भी उत्तरांचल के अंदर हरिद्वार है, हरिद्वार के पूरे सीमा क्षेत्र में कहीं भी मांस मदिरा की दुकानें नहीं है। वहाँ की सरकार जब कांग्रेसियों की सरकार थी तब का उन्होंने बंद किया हुआ है, और अब तो सनातन आस्था के विचारों की पोषक सरकार है, अगर इस सरकार ने नहीं बंद किया तो हम तो यही मानेंगे कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हरिद्वार में आज से 25 साल पहले बंद हो गया, बनारस कैसे पीछे रह गया, उस बनारस में क्यों नहीं मांग उठी पहले? दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इस मांग को हम बहुत प्रखर तरीके से सरकार के सामने रखने जा रहे हैं। हो सकता है हमारी परिस्थितियां अनुकूल न रही हो सकता है हमको संवैधानिक पोषणीयता के तहत जो उपचार मिलना चाहिए वो उपचार न मिला, पीछे की सरकारों ने हमको उपचार नहीं दिया, पीछे की सरकारों ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब सनातन की पोषक सरकार है और इस सरकार से ये मांग करने का अधिकार हमको है, और इस सरकार का ये नैतिक दायित्व तो भी है कि यह सरकार हमारी इस मांग को ध्यान दे, क्योंकि यहाँ गंगा, गीता, गायत्री, काशी विश्वनाथ ये सारे आस्था के मूल बिंदु काशी में हैं, और ये पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। इसलिए कम से कम काशी के अभिमुक्त पंचकोशी क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकानें, भूचड़ खाने ये किसी भी स्थिति में बंद होने ही चाहिए। हम न्यायालय का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है, जनजागरण का रास्ता है, हम उस सारे रास्तों पर, सारे विकल्पों पर विचार करेंगे और इस लड़ाई को चाहे जितनी लंबी खींचे हम लड़ेंगे और बंद कराएंगे इसको। जी, तो आपने सुनी काशी आदि महादेव जो मुक्तालय जो न्यास है उसका मैं संस्थापक सदस्य भी हैं सुनील तिवारी। तो इन सभी लोगों का कहना है कि बनारस जो है धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ पर मांस मदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए। केवल बनारस या यूपी की बात नहीं, पूरे देश और विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो ये एक रोल मॉडल होना चाहिए। बनारस की विदेश से भी लोग आए तो देखें कि मतलब जो सनातन धर्म है वो एक रोल मॉडल के तहत, क्योंकि काशी का नाम सब जगह है, मक्का मदीना में सनातन मक्का नहीं है। हाँ, मक्का मदीना जो आस्था का केंद्र है मुसलमानों के, वहाँ शराब की दुकानें नहीं है, वहाँ मांस की दुकानें भी नहीं है, गोश्त की दुकानें भी उस क्षेत्र से बाहर है, तो फिर हिंदू तो खाता भी नहीं है, हिंदू तो सहिष्णु है, वो जीव हत्या को पाप मानता है, तो वहाँ क्यों होगी, वहाँ एकदम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी में जो चर्च है उसके आसपास भी शराब की दुकानें नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, तो आप यहाँ कैसे कर देंगे? अगर उनके धर्म का आप सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, तो हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारी आस्था का आप सम्मान क्यों नहीं करेंगे? यही डिमांड है कि मांस मदिरा की दुकानें बनारस में नहीं बिकेंगे, जो अभिमुक्त क्षेत्र है वहाँ नहीं बिकेंगे, उसके बाहर जिसको बेचना है या खाना है वो खा या बेच वहाँ पे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब इसके लिए आंदोलन होगा। आज यज्ञ भी हुआ उसके लिए, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई 100वें दिवस के दिन पे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।